प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करने वाली महिला मुक्केबाजों से मुलाकात की और चैंपियनशिप में मुक्केबाज निकहत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और जब प्रधानमंत्री से ये सभी मिलने आई तो पीएम ने काफी देर तक इन लोगों के साथ बातचीत की। वहीं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निकहत जरीन और आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली ईसा सिंह को 2-2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स इलाके में जमीन आवंटित करने की भी घोषणा की है। बता दें कि निकहत जरीन इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद ज्यादा और रहता है कि इतने वो तो क्रिकेट वाले भी 99 पे होते हैं तो सेंचुरी अटक जाती है उनकी। बाकी खेलों में काफी टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजी आई है? इसमें भी आई है सर, स्कोरिंग बदली है। पहले स्कोर अलग था, अभी 9-10 का स्कोर है, राउंड के बाद दिखाता है। और मनीषा का क्या हाल है? आपको देखिए कैसा रहा मनीषा, बताइए अपना अनुभव। सर मेरा भी इंजरी के बाद ये टफ कॉम्पिटिशन रहा है मेरे लिए काफी, तो मैं भी अभी और मेहनत करनी है, अपने आप के ऊपर काम करना है सर। तो आप प्रवीण? सर मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था सर ये मेजर कॉम्पिटिशन सीनियर में, मतलब फर्स्ट टाइम मैं खेल रही हूँ सर। और सर मेरी तो शुरू से ही टफ चली सर बॉक्स, बट सर ये था कि कुछ भी रिजल्ट मुझे अपना बेस्ट ही देना है सर। आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों के हमारे देश में जो हम ट्रेनिंग करते हैं खास करके आप लोगों के गेम के लिए, और ये बाहर से जो लोग ट्रेन होकर जाते हैं उनसे बातचीत तो होती होगी खेल के सिवा, तो उनका क्या आपके लिए एनालिसिस होता है और आप लोगों का उनके लिए क्या एनालिसिस होता है? जी सर हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है सर, देखा जाएगा तो जितना हमारे इंडिया में जितनी साल भर का कैंप लगता है। खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।